हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 20 फीट बाई 40 फीट का बहुत ही शानदार सा हाउस हमने डिजाइन किया है। इसमें आपको 3 बेडरूम, टॉयलेट, हॉल, किचन और स्टेयर केस का सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये हाउस प्लान आप गाँव में बनाएं या शहर में बनाएं, दोनों जगह बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो चलिए वन बाई वन करके सारा डिटेल हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कॉलम को क्रिएट करना। तो देख सकते हैं जो कॉलम है आपका वो 10 फीट हाइट का रहेगा और साइज़ की बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच के आपको कॉलम देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सारा कॉलम क्रिएट कर लेना है। आप देख सकते हैं फटाफट से मैंने सारा कॉलम को क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है बाहर का जो दीवार है उसको क्रिएट करना। देख सकते हैं बाहर की जो दीवार है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों बाहर की दीवार आप कोशिश करें कि 9 इंच का ही बनवाएं, ठीक है। अब बाकी आपको जो अंदर की पार्टीशन वाल है वो आप 4 इंच का भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने बाहर की जो दीवारें हैं उसको मैंने बना दी हैं, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्लिंथ लेवल। देखिए कि मार्किंग कर रहे हैं प्लिंथ लेवल का। दोस्तों कभी भी घर बनाएं तो इसका एकदम बेस ध्यान दें, ये बहुत ही बेसिक होता है। अगर आपने यहाँ पर भी गलती कर दी तो आपका घर बहुत ही मतलब दिक्कत हो जा सकता है फ्यूचर में। क्योंकि दोस्तों अगर घर का जो हाइट है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि घर की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी तो भी वो देखने में सुंदर नहीं लगता है, और कम हो जाएगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें से परेशानी होगी। जैसे आपके घर के अंदर जो आपका वेस्टेज वाटर है उससे वाटर लॉकिंग की समस्या आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिक्कत देगी, ठीक है। तो इसके लिए जो ये हाइट होता है ना, ये आपके घर के सामने का जो रोड बन चुका है उससे आप 2-3 फीट हाइट पर ही रखें, जिससे आपका ज़्यादा दिन तक अगर बैकफिलिंग भी रोड का होता है या फिर से रोड नया न्यू बनता है तो उसके बावजूद भी आपका घर ज़्यादा डाउन में ना जाने पाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे अंदर की जो भी पार्टीशन वाल है इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो भी पार्टीशन वाल है इसको भी हम पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी दीवारें जो हैं उसको मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है डोर का सेटअप करना। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं डोर लगा देता हूँ सारे रूम का, ठीक है। आप भी देख सकते हैं ये आपका टॉयलेट है, टॉयलेट अटैच बाथरूम से है, सॉरी यहाँ से बेडरूम से अटैच ये आपका टॉयलेट है। तो यहाँ से आप डोर करेंगे और यहाँ से एक डोर रहेगा जो आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर आपका ये बेडरूम से रहेगा। दूसरा आपका बेडरूम कोई अटैच नहीं रहेगा, और इसके बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका किचन का सेटअप भी रहेगा, ओपन किचन रहेगा, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा हाल भी देखने को मिल जाता है। आप थोड़ा सा देखिए दूर करते हैं तो ये बेडरूम है, ठीक है। ये बेडरूम है जिसमें अटैच टॉयलेट है और यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक डोर बना देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। देखिए ये आपका कॉमन टॉयलेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रंट में आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है। आप इसको गेस्ट रूम पर्पज़ से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने डोर का सेटअप कर दिया। देख सकते हैं जो ये बाहर का बेडरूम है इसमें 2 दरवाजे रहेंगे, एक अंदर से घर के और एक बाहर से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी एक डोर का सेटअप हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी ओके हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ आपका स्टेयर केस बन जाएगा, ये आपका बेडरूम है, इधर से भी आप एंट्री मार सकते हैं, बाहर से भी एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका ओपन किचन का सेटअप है। देखिए कितना बड़ा सा हाल भी देखने को मिल जाता है। ये आपका कॉमन टॉयलेट। अभी दोस्तों बात करते हैं आपको डायमेंशन डिटेल का, उसके बाद लास्ट में आपको 3D मॉडल में स्टेयर केस बना के दिखाएंगे जो बहुत ही शानदार रहेगा, ठीक है। तो चलिए आपको सारा डायमेंशन डिटेल समझा देते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं जो बेडरूम है 9 फीट आधा इंच है, यानी 9.5 फीट बाई 12 फीट का ये बेडरूम है। दोनों बेडरूम सेम साइज़ का है, ठीक है। ये बेडरूम दोनों बेडरूम सेम साइज़ का है। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे आपको देख सकते हैं टॉयलेट आप देख सकते हैं 6 फीट 7.5 इंच बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फीट 7.5 इंच का आपको टॉयलेट देखने को मिलता है। सेम साइज़ का आपका टॉयलेट ये भी मिलता है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने सिमिलर बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉल की अगर साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं, सॉरी ये आप देख सकते हैं 13 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 फीट 5.5 इंच की इसकी लंबाई भी देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे हॉल का सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी आप बाहर में देख सकते हैं एक बेडरूम है जो कि सेम साइज़ का है, यानी जो आपका बेडरूम का साइज़ है वही साइज़ यहाँ पर भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आप टिक करेंगे, देख सकते हैं 9.5 फीट बाई 12 फीट का यहाँ पे भी बेडरूम का सेटअप है, और सेम साइज का ये जो जितना साइज है इतना साइज में ही आपको स्टेयर केस का भी सेटअप किया गया है। यानी 9.5 फीट चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है, जिसमें आपका स्टेयर केस का सेटअप है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटा सा रैम्प बना कर नीचे में आप अपना बाइक पार्किंग का भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 3D मॉडल में इसका जो स्टेयर केस है उसको हम बना देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से देखने में लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे जो स्टार लाइन्स है ये बीच वाली इसको डिलीट करना पड़ेगा,
तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फटाफट मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऐसे करेंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको फटाफट मैं बना दूंगा और नीचे का एरिया बाद में मैं खाली कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए ये पूरा फिल हो रहा है, अभी मैं उसको डिलीट कर दूंगा, नीचे का एरिया पूरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इस सीढ़ी के नीचे ही आप अपना स्टेयर केस का भी सेटअप कर सकते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं पार्किंग का, जो बाइक पार्किंग है या कुछ आपको छोटा मोटा सामान रखना है तो वो आप सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं नीचे में, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारा लग्जरी स्टाइल है कि इसके नीचे रैक का भी सेटिंग हो जाता है, जिससे आप जूते वूते आप बाहर ही रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब सारी सिस्टम आप यहाँ बाहर ही कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे देखिए यहाँ तक पूरा आ गया है, तो आप थोड़ा सा इधर भी घुमा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल में इधर नहीं घुमाते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं सॉरी ये यहाँ से यहाँ जाके ख़त्म हो गया, और यहाँ से लेके ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इधर, ठीक है। अभी आप देखिए ये सारा नीचे का जो ये आप देख सकते हैं कुछ, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ आपका ये इस तरीके से आपका सीढ़ी का सेटअप देखने को मिलता है। देखिए कितना आसानी से हमने एकदम बेहतरीन सा एक सीढ़ी का सेटअप बना दिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसके नीचे यहाँ पे आप बाइक पार्क कर सकते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पर बड़ा सा गेट लगा देंगे, यहाँ पर अपना बाइक पार्क कर देंगे, बाहर में एक रैंप बना देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ हाउस प्लान ये बन के रेडी हो गया है 20 फीट बाई 40 फीट का। ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके का हाउस प्लान देखने के लिए हमें कमेंट करें। जो भी आपका घर का साइज़ है, मान लीजिए 30 बाई 40 का है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं 30 बाई 40 का हाउस प्लान। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा, यानी बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, तो हम बारी बारी करके सबके लिए एक हाउस प्लान बनाते हैं, तो उसी तरह आपका भी एक हाउस प्लान हम बना देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये हाउस प्लान हमने इसको आपको अच्छे से समझा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे बेनिफिट यही है कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल पर चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।